हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRSIC बाराबंकी में। और आज हम लोग हिंदी का सेशन चालू करने वाले। किरण मिश्रा मैम है, वो आपको हिंदी क्लास 10th का प्री बोर्ड का फर्स्ट पेपर सॉल्व कराने जा रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने से होकर गुजरेंगे, तो बिल्कुल ही आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने में मदद करेगा और इससे आपकी मेरिट भी बढ़ेगी। तो हम लोग बुलाते हैं किरण मिश्रा मैम को और आपके समझ आती हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैम से, और उसका जो क्लेरिफिकेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैम करेंगी। तो आइए मैम। हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आपका पेपर प्री बोर्ड का सब तैयार हो गया होगा। और आज हम आपके सामने प्री बोर्ड का पहला पेपर जो है लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं प्री बोर्ड का पहला प्रश्न पत्र। तो देखिए बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक हैं, बोर्ड पर है हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और वैसे भी ये उपन्यास सम्राट के नाम से इनको सभी लोग जानते ही हैं, आप लोग जानते हैं ये उपन्यास सम्राट भी है, और इन्होंने हंस पत्रिका का संपादन भी किया है, और ये हंस पत्रिका सुखदेव की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके चार ऑप्शन आपके सामने है, आत्मकथा, कहानी, निबंध और उपन्यास। तो बच्चों, ये क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है हरवंश राय जी की, हरवंश राय बच्चन की ये आत्मकथा है। इसका सही आंसर है आत्मकथा। तो इसको इन्होंने अपनी आत्मकथा को चार भागों में डिवाइड किया है, लेकिन ये क्या भूलूं क्या याद करूं जो रचना आपके सामने है ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतवत धारा के कवि हैं। वैसे तो रीत काल तीन भागों में विभाजित है, पहला रीतवत, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है रीतवत धारा के कवि। तो रीतवत धारा के कवि के चार ऑप्शन आपके समक्ष हैं, मतिराम, घनानंद, बिहारी और रसखान। तो आपका सही ऑप्शन है मतिराम। मतिराम जो है वो रीतवत धारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतवादी कविता की विशेषता है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रगतवाद में शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई गई है, पूंजीपतियों के प्रति विरोध किया गया है। तो इसकी विशेषता है, आपके सामने चार ऑप्शन है, क्रांति की भावना, भक्ति की भावना, रहस्यवाद और बुद्ध पूजा। तो क्रांति की भावना, शोषकों के प्रति जो है शोषकों की रक्षा की गई है, शोषण करने वालों के प्रति आवाज उठाई गई है, पूंजीपतियों के प्रति विरोध किया गया है। तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि क्रांति की भावना, इसका सही आंसर है क्रांति की भावना। क्रांति के द्वारा पूंजीपतियों को सचेत किया गया है कि आप शोषण करना बंद कर दीजिए, ये है प्रगतवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, प्रिय प्रवास के रचनाकार। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार आपके सामने चार ऑप्शन हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, अज्ञेय, केशव और भूषण। प्रिय प्रवास जो रचना है वो द्विवेदी का महाकाव्य है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर इसके इसका सही ऑप्शन है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, आपके सामने है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी। तो ये परीक्षा गुरु जो है उपन्यास विधा की रचना है, और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साहित्य लोचन के लेखक का नाम। तो साहित्य लोचन जो है श्याम सुंदर दास की रचना है, जो साहित्य लोचन ही रचना है ये श्याम सुंदर दास की रचना है। और ये श्याम सुंदर दास जी जो है इन्होंने साहित्य लोचन की रचना की है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है, आपके सामने ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो ये कलम का सिपाही जो है वो जीवनी विधा पर आधारित है और ये है अमृत राय के द्वारा लिखी गई रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदो चरण कमल हरराई। बंदो चरण कमल हरराई में अलंकार क्या है। जैसे बच्चों आपके कोर्स में तीन अलंकार प्रस्तावित हैं, एक तो उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो चरण कमल बंदो हरराई, आपका ऑप्शन है रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अमर। तो यहां पर सही राइट आंसर है रूपक, ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में अभेद वर्ण किया जाता है, अभेद आरोप किया जाता है। जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। कलम का सिपाही रचनाकार में मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ये जो कलम का सिपाही है जो अमृत राय द्वारा लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद एक साहित्यकार है, उपन्यासकार है। प्रत्युत्तरम में संधि है, तो प्रत्युत्तरम में संधि है आपका ऑप्शन है यण, वृद्धि, दीर्घ और गुण। और इसमें यण संधि है, प्रत्युत्तरम शब्द में यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसानी शब्द है। हसानी शब्द आपके कोर्स में जो प्रस्तावित हस धातु है, तो हसानी शब्द है लट लकार, आपका ऑप्शन है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार, लट लकार दो वचन, लट लकार बहुवचन। तो आपका सही आंसर है लट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन आपका सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतवाद को जाना जाता है, तो प्रगतवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है। आपका ऑप्शन है मार्क्सवाद, छायावाद, द्विवेदी युग, प्रयोगवाद। तो प्रगतवाद को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है और प्रगतवाद को गांधी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तिरंगा शब्द में समास है। तो बच्चे आपके कोर्स में प्रस्तावित हैं दो समास, द्विग समास एंड द्वंद समास। तो आपका ऑप्शन है द्विग, द्वंद, कर्मधारय एंड बहुव्रीहि। तो ये तिरंगा जो है संख्यावाची शब्द जहां पर भी होता है वहां पर द्विग समास होता है। तो ये तिरंगा शब्द जो है वो संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहां पर समास होगा द्विग समास। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, जय पराजय के रचनाकार हैं। तो जय पराजय के रचनाकार का आपके सामने ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क, नगेंद्र, धीरेंद्र, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर है उपेंद्रनाथ अस्क। जय पराजय के जो रचनाकार हैं वो उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं। और नेक्स्ट आंसर देखते हैं, जो संधि में संधि विच्छेद है, वैसे आपके कोर्स में प्रस्तावित है यण संधि, पर इसका संधि विच्छेद है मधु प्लस अरि, मधुना प्लस अरि, मधु प्लस वरि और मधु प्लस अरि। तो देखिए इसका सही आंसर है मधु प्लस अरि, ये आपकी यण संधि है मधु प्लस अरि। देखिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें चना शब्द का तत्सम है। तो चना शब्द का तत्सम है
चणक। चना शब्द को हम तत्सम में चणक बोलते हैं, शुद्ध भाषा में, शुद्ध हिंदी में। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसका आपका चवेना, चून, मटर, चणक, लेकिन इसका सही ऑप्शन है चणक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मतवी। मतवी शब्द ये आपके शब्द रूप से रिलेटेड है, तो मतवी शब्द जो है आपका ऑप्शन है तृतीया विभक्ति बहुवचन, प्रथमा एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी बहुवचन। तो आपका सही आंसर है तृतीया विभक्ति बहुवचन। क्या है? तृतीया विभक्ति और बहुवचन, ये मतवी शब्द है तृतीया विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट देखते हैं, विपद बटावन हार बंधुविन करो भरोसो काको। देखिए आपके कोर्स में प्रस्तावित है रस, आपके कोर्स में दो रस हैं, करुण और हास। तो इसमें ऑप्शन है करुण, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स। तो विपद बटावन हार बंधुविन करो भरोसो काको। देखिए करुण रस वहां पर जहां होता है जहां पर हृदय द्रवित होता है, हृदय के उद्गार जहां पर द्रवित होते हैं, दुखी होते हैं, वहां पर करुण रस होता है। तो इसका सही ऑप्शन है करुण रस। अब बच्चों आपके ये ऑप्शन क्वेश्चन तो समाप्त हुए, अब आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखिए। अब हम आपको गद्यांश की तरफ ले चलते हैं। आपके कोर्स में गद्य में मित्रता, भारतीय संस्कृति, ममता, अजंता, ये लेसन आपके प्रस्तावित हैं, और इन्हीं को आप अच्छे से तैयार करिए। जो मैंने आपको लिखवाए हैं निश्चित रूप से आपको बोर्ड में उसका फायदा मिलेगा। तो आइए हम आज चलते हैं भारतीय संस्कृति के लेसन की तरफ, जिसका अध्ययन है आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। तो ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारतीय संस्कृति लेसन है, और इसमें बताया गया है कि आज विज्ञान हमें निरंतर उन्नति की ओर ले जा रहा है, लेकिन उन्नति की तरफ जितना ही ले जा रहा है उतना ही अगर हम उसका सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें अवनति की तरफ भी ले जा सकता है। तो जिस शक्ति का हम प्रयोग उन्नति के लिए करते हैं, अगर उसी शक्ति का प्रयोग हम दूसरों को गिराने के लिए करेंगे तो हमारा निश्चित ही पतन होता चला जाएगा। इसलिए इसके लिए हमें ये आवश्यक रखना है कि हमारे अंदर वह भावना जागृत होनी चाहिए कि जिससे जो भावना अहिंसात्मक हो। अहिंसात्मक का मतलब है त्याग की भावना, माने जो भी हम कार्य करें वो त्याग पूर्वक करें। जैसे कहते हैं तेल त्यक्तेन भुंजी था, माने उतना ही हम ले जितना हमारे लिए उपयोगी है, अगर हम अधिक लेते हैं तो उसमें दूसरों का नुकसान होना निश्चित है। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है कि जो भी हम विज्ञान का प्रयोग करें वो जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही हम उसका प्रयोग करें, और इसके लिए हम उसके प्रति विज्ञान से दूसरों की हानि ना हो इसके लिए हमें नैतिक अंकुश की आवश्यकता है, और नैतिक अंकुश के बिना कोई भी कार्य हितकर नहीं हो सकता है। इससे क्या होगा, जब नैतिक अंकुश हम अपनाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी जो त्याग की भावना है वो जो है वो प्रोत्साहित होगी, वो बढ़ेगी, और जो हमारे अंदर भोग की भावना है, स्वार्थ की भावना है, वो हमारी भावना जो है वो दब जाएगी। कहते हैं कि अगर विज्ञान के विषय में पता नहीं है तो विज्ञान का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, विज्ञान का क्या अर्थ। लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, विज्ञान का क्या अर्थ, और यह नहीं मालूम तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। अगर कहते हैं कि अगर हम नैतिक अंकुश नहीं लगाएंगे किसी भी वस्तु के प्रयोग में, अगर हम नैतिकता को नहीं अपनाएंगे, अनुशासन को नहीं अपनाएंगे, तो फिर विज्ञान कहता है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तजकर मोह इश्मत के पार। अब देखिए बच्चों हम नेक्स्ट अध्यात्म की तरफ चलते हैं। ये अध्यात्म आपका
मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और मैंने आपको जिस तरह से लिखवाया है आप उसी तरह से लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको नंबर 90 प्लस अवश्य ही मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रता, नेक्स्ट आद्यांक है मित्रता। तो मित्रता में बताया गया है ये रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ निबंध है और इसमें उन्होंने बताया है कि मित्र का कर्तव्य, इस प्रकार उन्होंने बताया है कि मित्र कैसा होना चाहिए। तो आप लोग भी जानते हैं मित्र कैसा होना चाहिए, जो हमारे हित के लिए उत्साहित रहे वही हमारा मित्र है, जो हमारे अहित की बात सोचे वो हमारा मित्र कदापि नहीं हो सकता है। जैसे मित्र का हृदय कैसा होना चाहिए, वज्रादप कठोराण मृदुम पुष्पादपि, जब हम गलती करें तो वो हमारे लिए वज्र की तरह कठोर हो जाए और जब हमारा हित हो तो हमारे लिए वो मृदुता का आधार बन जाए। तो ऐसा मित्र हमारे लिए होना चाहिए। तो उनका कथन है, कहते हैं उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निजी को सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित शुद्ध हृदय के हो, मृदुल हो और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को अपने भरोसे पर छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि उनके किसी प्रकार से उनसे हमें धोखा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि मित्र, शुक्ल जी ये कहना चाहते हैं कि मित्र ऐसा हो जो हमारी सामर्थ्य है, जिसमें हमें जितनी हमारे अंदर क्षमता है उससे अधिक कार्य करने के लिए हमें प्रोत्साहित करे और मेरे अंदर सोई हुई भावनाओं को जागृत करे कि अरे आप ये कार्य अवश्य कर सकते हैं और हमें उन्नति की शिखर पर वो ले जाए। ऐसा मित्र होना चाहिए, उनका ये कथन है। और वैसे भी मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र तो अपने से श्रेष्ठ होना चाहिए, शिक्षा में, ज्ञान में, व्यक्तित्व में, इन सब गुणों में, उदारता में, परोपकारता में, सत्यनिष्ठता में, इन सभी गुणों में उसमें मित्र को जो अपने से जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसी को हमें मित्र चुनना चाहिए। और कहते हैं वैसे भी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जे न मित्र दुख होए दुखारी और तिन्हें लोकत पातक भारी। तो बताइए तुलसीदास जी ने भी मित्रता की व्याख्या की है कि मित्र हमें ऐसा होना चाहिए जो हमारे सुख में सुखी हो और दुख में दुखी हो। तो हमें ऐसे मित्र की पहचान अवश्य करना चाहिए। और बच्चों अगर अच्छा मित्र है तो हमारे लिए वो कैसा है, हमें ऊंचाई के शिखर तक ले जा सकता है, हमें शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। और कैसा है कि और अगर हमारा मित्र अच्छा नहीं है तो हमारे पैर में वो बंधी हुई चक्की के समान है जो हमें निरंतर अवनति की ओर ढकेलता चला जाएगा। इसलिए हमें अच्छा मित्र वही है जो विपत में कंधा देता है, हर ऊंची नीची सीढ़ी पर हाथों को थामे रहता है। तो मित्र ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर बहुत से और भी मैंने आपको बहुत से लिखवाए हैं उदाहरण, उनको देकर के आप मित्रता की व्याख्या बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत कीजिएगा। अब देखिए जो इसमें क्वेश्चन है आपके कि ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप इसका संदर्भ मैंने आपको लिखवाया है वो आप लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो उसमें रेखांकित अंश है उसकी आप बहुत ही सुंदर और शुद्धता से व्याख्या कीजिएगा। हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये आवश्यक होता है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी और शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए। तो आप मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, जो हमें अपनी सामर्थ्य से ज्यादा हमारे साहस को बढ़ाए, हमारा हौसला बढ़ाए, हमें शून्य से शिखर तक ले जाए, वही अच्छा मित्र होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अभी हमें हमने आपको गद्यांश के विषय में बताया और आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आगे हम आपको पद्यांश भी पढ़ाएंगे और आगे संस्कृत का पाठ भी आपको हम समझाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।